तक हमें स्कूलों में गलती पढ़ाया गया है कि ग्रेविटी की खोज इंग्लैंड में रहने वाले न्यूटन ने की थी, बट ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। ग्रेविटी की खोज भारत में हुई थी और वो एक भारतीय ने की थी, पर उन भारतीय के बारे में आज कोई भी नहीं जानता। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, इसको काफी महान खोजों में से एक माना गया है एंड इसको डिस्कवर किया था इंग्लैंड के रहने वाले न्यूटन ने। जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे तब उनके सिर पर एक एप्पल गिरा और उनकी दिमाग की बत्ती जल गई कि ये नीचे की जगह ऊपर क्यों नहीं गिरा, और उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर डाली। क्यों? यही ना, बट ये रियलिटी नहीं है। ग्रेविटी की खोज भारत में हुई थी और वो एक भारतीय ने की थी, बट उनके बारे में आज कोई भी नहीं जानता। एंड मैं इस बात को यूं ही हवा में नहीं बोल रहा, मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ग्रेविटी की खोज भारत में हुई थी और वो कब और कहां और किसने की थी। और ये डिस्कवरी न्यूटन की खोज से भी बहुत पहले ही भारत में हो चुकी थी। आइजैक न्यूटन के जो ब्रदर्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि न्यूटन ने जो ग्रेविटी की खोज की थी वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल झूठी है। इंग्लैंड की काफी फेमस मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने ये खुद क्लेम किया है कि जो डिस्कवरी हुई थी ग्रेविटी की जो न्यूटन की तरफ से की गई थी वो बिल्कुल भी फेक है। और उन्होंने इस चीज को सिर्फ क्लेम ही नहीं किया है बल्कि अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर रिपोर्ट के साथ बताया है कि न्यूटन इज नॉट द वन हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। एंड उन्होंने इसका एग्जांपल भी देते हुए कहा है कि भारत के वैसे सूत्र लिखने वाले कारक ने जड़त्वाभार यानी गुरुत्वाकर्षण के नाम से एक खोज की थी जिसे उन्होंने आइजैक न्यूटन से 1000 ईयर पहले सेकंड और सिक्स सेंचुरी में ही डिस्कवर कर लिया था, जिसे न्यूटन ने बाद में ग्रेविटी का नाम दे दिया। डॉक्टर जॉर्ज जी जोसेफ जिन्होंने इस सब के बारे में क्लेम किया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आप काफी हैरान होने वाले हो, साथ ही आपको बहुत दुख भी होगा कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। 300 एडी केरला में जो ग्रेविटी की डिस्कवरी है वहां पर मौजूद थी, लेकिन जब भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था तब क्रिश्चियन मिशनरीज जो भारत आए थे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। जब भारत में गुरुकुलों का एंड हुआ और भारत में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ, यही वो समय था जिस समय भारत की बहुत सी डिस्कवरीजों को अंग्रेजों की भूख और अंग्रेजों की खोज बताकर भारत की यंग यूथ को पढ़ा दिया गया। ये तो वही सीन हुआ कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। एंड अगर आप लोग इस सब के बारे में और डीपली जानना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, या फिर आप इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे आपको इस वेबसाइट को ढूंढने में दिक्कत ना आए। और यही एक इकलौती ऐसी डिस्कवरी नहीं है जिसको भारत ने किया है, भारत ने ऐसी बहुत सी डिस्कवरीज की है जिनको अंग्रेजों से पहले ही कवर कर लिया गया था, लेकिन आज हमको उनके बारे में खुद ही नहीं पता है। जैसे कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है, इसको भारत ने बहुत पहले ही कवर कर लिया था लेकिन इसके बारे में आज तक हमको कुछ भी मालूम नहीं है। और अगर आप ऐसी ही भारत की और डिस्कवरीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे 2K लाइक का एम कम्प्लीट करवा दो, मैं इससे भी ज्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा। एंड हाँ, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर एंड सपोर्ट करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर भारतीय के पास पहुंच सके। एंड हाँ, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि आप वीडियो तो फुल वॉच करते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो कि हम आपके लिए इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस इस चैनल पर लाएंगे। तो इस चैनल को मिस ना करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।